Hey, what's up guys? तो जब भी हमारे लैपटॉप स्लो हो जाते हैं तो हमारे मन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना हम इसके रैम को अपग्रेड कर देते हैं। चार है तो आठ कर देते हैं, आठ है तो 16 कर देते हैं। और जिन यूजर्स के पास SSD डालने का ऑप्शन है वो SSD भी डाल लेते हैं, जिससे शायद 10% लैपटॉप की परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो भी जाती है। लेकिन जरा सोचो, अगर आपके पास ऑप्शन हो कि आप इसके CPU और GPU को भी अपग्रेड कर सकते हो, तो शायद जो परफॉर्मेंस में चेंज आएगा वो 10 या 20% नहीं, सीधा 50% के आसपास होगा। लेकिन CPU और GPU को अपग्रेड करना ना ही आपके लैपटॉप में ना ही मेरे लैपटॉप में पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर डेल ने एक इनिशिएटिव लिया है और एक लैपटॉप निकाला है जिसका नाम है डेल एलियनवेयर एरिया 51M, जिसके CPU और GPU को भी आप अपग्रेड कर सकते हो। सुनने में तो ये बात बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या ये चीजें सच में प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं, वही आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन के बारे में। तो ये लैपटॉप थिक बॉयज की कैटेगरी में आता है, जिसका वेट है 3.8 kg। लुकिंग में तो लैपटॉप बहुत अच्छा है, RGB की वजह से डार्क एनवायरनमेंट में तो और भी अच्छा लगता है। तो इस लैपटॉप का डिजाइन और फॉर्म फैक्टर में कोई कमी नहीं है, और साथ ही इसमें जो डिस्प्ले है वो 17.3 inch की डिस्प्ले है, लेकिन असली रहस्य छिपा हुआ है इसके अंदर। तो इस लैपटॉप को अपग्रेड करने के पर्पज से बनाया गया है, इसी वजह से इसके बैक पैनल को हटाते ही इसके मेटल केज पर पूरी गाइड मिल जाती है, जैसे कितने स्क्रूज है और कौन सा स्क्रू ड्राइवर यूज में लेना है। तो आसान शब्दों में बताऊं तो इस लैपटॉप को आधे घंटे में पूरा खोल के असेंबल किया जा सकता है। तो आगे थोड़ी सी बात करें तो इस लैपटॉप में डेस्कटॉप का CPU लगता है और इसकी असेंबली भी डेस्कटॉप मदरबोर्ड जैसी ही है, बस थोड़ा सा डिजाइन अलग है। तो CPU तो इसमें पहले से ही काफी पावरफुल है, जैसे i7 8th जनरेशन और i9, जिन्हें आप फ्यूचर में आने वाले CPU के साथ अपग्रेड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो है GPU। तो GPU को अपग्रेड करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर डेल ने अपने इंजीनियर से RTX के GPU को खुद के डिजाइन फैक्टर में कन्वर्ट करवाया है, जिसका नाम है DGFF, जिसका मतलब है डेल ग्राफिक्स फॉर्म फैक्टर। अब इसमें होता यह है कि सिर्फ वही GPU जो डेल इस DGFF में कन्वर्ट कर पाएगा, वही आप इस लैपटॉप में यूज कर पाओगे। आप सीधा NVIDIA से या AMD से बाय करके इसमें इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो इस लैपटॉप के कंपेटेबल GPU आपको डेल ही प्रोवाइड करेगा, और जब GPU ऐसे डिजाइन फैक्टर से गुजरता है तो ऑफ कोर्स इसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी। अब देखो, यहाँ पर एलियनवेयर के इंजीनियर्स ने ये बात ओपनली रखी थी, उन्होंने लॉन्च के टाइम पर भी ये बात क्लियर कर दी थी कि जितना हमसे हो सकेगा उतने आने वाले GPU को DGFF में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि GPU स्पेसिफिकेशंस इस डिग्री तक चेंज हो जाए कि शायद उन्हें इस पर्टिकुलर चेसिस में फिट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब यहाँ पर डेल का ये कहना है कि अगर कस्टमर्स इस चीज को सपोर्ट करते हैं तो शायद NVIDIA और AMD इस तरह के डिजाइन ला सकते हैं, लेकिन अगर इस लैपटॉप को मार्केट में इतनी अटेंशन मिलती नहीं है तो कुछ सालों में लैपटॉप हिस्ट्री बनकर रह जाएगा। तो अब मैं अपने ओपिनियन दूं तो लैपटॉप तो आ चुका है और जैसा भी है, बट हमें इस तरह के मॉड्यूलर डिजाइन की जरूरत है, क्योंकि हमारे लैपटॉप अपग्रेड होते नहीं है और कुछ सालों बाद गेम ऐसे आ जाएंगे कि हमें पूरा लैपटॉप ही नया लेना पड़ेगा। इसी वजह से मेजोरिटी ऑफ पीपल ये सोचते हैं कि लैपटॉप लेने से अच्छा है एक PC बिल्ड कर लेते हैं। तो डेल के इस इनिशिएटिव को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, एटलीस्ट इस बारे में कोई कुछ कर तो रहा है। एक्चुअली डेल काफी ऑनेस्ट है अपने कस्टमर्स को लेके, एंड एलियनवेयर वाले जानते हैं कि एक कस्टमर को लैपटॉप में किस फीचर की जरूरत सबसे ज्यादा है। तो अभी के लिए एलियनवेयर एरिया 51 को पब्लिक ने बहुत रेस्पेक्ट दी है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि लोग इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं या नहीं। तो इस लैपटॉप की प्राइस स्टार्ट होती है $2,500 से और जाती है $5,000 तक। इंडियन रुपीज में बात करें तो 1,75,000 से 3,50,000 तक। अब आप लोग इस एरिया 51M के बारे में क्या सोचते हो मुझे जरूर बताना, और क्या आप चाहते हो कि फ्यूचर में और भी ऐसे लैपटॉप आए जिसमें आप CPU GPU को अपग्रेड कर पाओ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो इस लैपटॉप के जो बेंचमार्क स्कोर्स होंगे वो मैं आपको आने वाले वीडियोस में बता दूंगा, लेकिन तब तक आपको करना बस इतना है कि नीचे लाइक बटन पर क्लिक कर देना और आपके इस लैपटॉप के बारे में क्या ओपिनियन है मेरे साथ जरूर शेयर करना। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।